फिर कांग्रेस जिसको जी चाहे बांटेगी। अब हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में किसी को अठन्नी नहीं दी, रुपया क्या खाक देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति परलोक सिधार जाए तो उसकी विरासत का आधा हिस्सा कांग्रेस पार्टी ले लेगी और कुछ बचेगा 55% कांग्रेस पार्टी ले लेगी। मतलब कांग्रेस न चैन से जीने देगी न चैन से मरने देगी। अब राजेश भैया आ गए हैं, राजेश भैया बोलेंगे। हम तो सिर्फ ये कहने आए हैं, पहली बार अमेठी आए थे तो राजेश भैया भी एक छोटे से कमरे में जमीन पे बैठ के माँ के सामने मसाला पीसते थे। तब उनकी माता जी ने हमसे कहा था, दीदी राजेश बन जाएगा बड़ा नेता। हम कहे नम्मा बड़का नेता बनेगा राजेश, है ना सत्य। अब न सिर्फ सबसे बड़ा मसाले वाला बन गया राजेश भैया, बल्कि जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बन गया। अब ये बताओ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने आज सिर्फ एक राजेश मसाला नहीं, पूरी लोकसभा क्षेत्र में, और इसका हिसाब मैं दे सकती हूँ, 4 लाख लोग हैं जिन लोगों ने राजेश की तरह बैंक से कर्जा लिया, 7,800 करोड़ रुपया हम यहाँ अमेठी में 4 लाख लोगों को दिलवाए हैं ताकि वो कृषि और लघु उद्योग के माध्यम से अपने पैर पर खड़े हो सके, 6,000 लघु उद्योग वाले को भारत सरकार के साथ रजिस्टर कराए हैं ताकि एक नहीं अमेठी में 6,000 राजेश मसाला बनकर तैयार हो जाए। मगर इसीलिए आपको भी ऐसी प्रगति करनी है, मेहनत करें, लेकिन उससे पहले मेहनत होगी पोलिंग बूथ पर। 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, 50,000 लखपति दीदी और 6,000 राजेश मसाला अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बनाएं। आज यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राजेश भैया बोले। धन्यवाद आप सब क्षेत्र समाज के दर्पण है। जिस समाज में बड़े बुजुर्ग की इज्जत हो, ऐसे चमड़े होकर बैठे उस समाज में कोई आंख नहीं खा सकता। आप जानते हैं हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आम तबे खाए के मिले जो आम एक पेड़ लगाए गए, और बबूरही माँ बबूरी बोए माँ ओम खाद भी ना दिए पर तो अपने पनप जाते। तो जो उन बबूर पनपा रहा वो मोदी के नेतृत्व में